वेलकम टू प्रताप क्लासेस दोस्तों प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है तो आज है 17 जनवरी 2024 और 17 जनवरी 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज उनका हम डिस्कशन करेंगे पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा आज अपने पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति ने मेघालय खेलों के पांचवें संस्करण का उद्घाटन किया जासूसी उपग्रह ऑप्टिकल आर्ट का सफल प्रक्षेपण किस देश ने किया और 15 जनवरी 2024 को नौसेना संचालन के नए महानिदेशक कौन बने हैं इनकी आज हम चर्चा करेंगे तो डेली आपको सुबह सात बजे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ ये करंट की क्लास मिलती है और आज सत्रह जनवरी और सत्रह जनवरी आज की क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी क्योंकि आज की क्लास में क्वेश्चन करंट के बड़े शानदार क्वेश्चन बने हैं बढ़िया तरीके से इस क्लास का अध्ययन करना क्योंकि भविष्य के अंदर आज की क्लास में से लगता है, सारे सारे है, है। तो लाइक शेयर करेंगे सभी साथियों को गुड मॉर्निंग सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं हाल ही में रियल मेड्रिड ने किस टीम को हराकर स्पेस ने सुपर कप दो जीता तो ये बार्सिलोना को हराया किस राज्य का पैच टाइगर रिजर्व ने भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल की तो महाराष्ट्र पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किस शहर में किया यह किया है मुंबई के अंदर 15 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने पी एम ए वाई जी योजना के तहत प्रारंभिक किस्त 540 करोड़ रुपए आवंटित की इस योजना की शुरुआत कब हुई 15 नवंबर 2023 को हाल ही में विलियम लाई चिंग थे किस देश के लिए नए राष्ट्रपति बने तो ये ताइवान के किसके द्वारा लिखित गांधी ए लाइफ इन थ्री कैंपस नामक पुस्तक का अनावरण किया गया तो ये एमजे अकबर के द्वारा किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना का अनावरण किया तो ये किया है कर्नाटक की सरकार ने ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज और जो मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवाता हूँ ये क्वेश्चन है तो डेली आपको शाम को ये क्वेश्चन टेलीग्राम पर है मिल जाते हैं तो बढ़िया तरीके से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और कल मैंने शाम को ना चार बजे प्रमुख चर्चित महिलाओं की एक क्लास दे दी है बढ़िया तरीके से यानी कि जनवरी तक यानी कि कल तक है ताजा अपडेट के साथ मैंने चर्चित महिलाओं की क्लास कल मैंने आपको दे दी है बढ़िया तरीके से इसके अलावा अपने प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्टरी चल रही है सौ रुपए के अंदर है, एक साल की वैलिडिटी है और लाइव डेली आपको टेस्ट मिल रहा है वीकली टेस्ट है उसके बाद मंथली टेस्ट है और मंथली पीडीएफ भी आपको मिलेगी जिसका फ्री आपको पीडीएफ मिलेगी मंथली इसके अंदर जिसका प्रिंट निकाल के आप बढ़िया तरीके से ध्यान है कर सकते तो पूरा एक साल का करंट आपको यहाँ पे दिया जाएगा तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी यानी कि एन ए सी आई एन के नए परिसर का उद्घाटन किया है तो ये किया है प्रधानमंत्री जी ने आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर कहां पर है प्रधानमंत्री मोदी जी ने तस्वीर में आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नए परिसर का उद्घाटन किया है जिसका शॉर्टकट में नाम क्या है एन ए सी आई एन ये तस्वीर में आप देख सकते हो एन ए सी आई एन जिसका मतलब है राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिस अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन किसने कहां पर किया आंध्र प्रदेश के अंदर किसने हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखो मोदी जी ने आंध्र प्रदेश के श्री सत्य जिले के पला समुद्रम में राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन किया है ये 500 एकड़ में फैला एन एस अप्रत्यक्ष कराधान और मादक द्रव्य नियंत्रण प्रशासन में क्षमता निर्माण के लिए समर्पित समर्पित है ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है बस ये पहला पॉइंट आपको इतना याद रखना है, भी इसका कहां पर उद्घाटन किया गया आंध्र प्रदेश में नेक्स्ट है हाल ही में 15 जनवरी 2024 को किसने मेघालय के तुर्रा में मेघालय खेलों के पांचवें संस्करण का उद्घाटन किया है देखो पहली बार मेघालय के अंदर मेघालय खेलों के पांचवें संस्करण का उद्घाटन किया है पहली बार हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू जी के द्वारा ये तस्वीर में आप देख सकते हो देखो हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू उन्होंने भारत के पूर्वी क्षेत्र के अंदर मेघालय के तुर्रा में मेघालय खेलों के पांचवें संस्करण का उद्घाटन है किया कब किया पंद्रह जनवरी दो को पंद्रह जनवरी दो को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेघालय के तुर्रा में मेघालय खेलों के पांचवें संस्करण का उद्घाटन किया है यह संस्करण पारंपरिक स्वदेशी खेलों को अपने लाइनअप में पेश करता है और यह पहला उदाहरण है जहां उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया है तो यह पहली बार है कि जब भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसका उद्घाटन किया जा चुका है नेक्स्ट है दीव बीच गेम्स 2024 में कौन से गेम्स है ये दीव बीच गेम्स 2024 में सात स्वर्ण सहित अठारह पदक तालिका हासिल करके कौन सा राज्य स्मर्ग चैंपियनशिप के रूप में उभरा है यानी कि सबसे ज्यादा सात स्वर्ण सहित अठारह पदक हासिल करके कौन सा राज्य सबसे टॉप पर है वो है मध्य प्रदेश राज्य कौन है मध्य प्रदेश है राज्य तस्वीर में आप देख सकते हो कौन सा गेम्स है ये दीव बीच गेम्स 2024 है इसके अंदर मध्य प्रदेश ने टोटल 18 पदक के साथ सबसे टॉप स्थान है हासिल किया है देखो मुख्य तथ्य मध्य प्रदेश उद्घाटन दीव बीच गेम्स 2024 में सात स्वर्ण सहित उल्लेखनीय अठारह पदक हासिल करके अट्ठाईस प्रदेशों के चौदाह सौ चार युवा एथलीटों ने विभिन्न विषयों के अंदर इसके अंदर भाग लिया था तो ये चार से लेकर ग्यारह जनवरी तक इसमें प्रतियोगिता चली थी और इसके अंदर चौदह सौ चार युवा एथलीटों ने भाग लिया और महाराष्ट्र ने तीन स्वर्ण के साथ चौदह पदक इसके अंदर हासिल है किए हैं तो महाराष्ट्र ने चौदह पदक जीते और सबसे ज्यादा पदक किसने जीते अठारह पदक मध्य प्रदेश ने हाल में जासूसी उपग्रह ऑप्टिकल आर्ट का सफल प्रक्षेपण किस देश ने किया है देखो मैंने आपको बताया था ना कि लगभग एक दिन छोड़कर या लगातार आपको ये क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा और जब से नए साल में ये क्वेश्चन मैंने नए साल से करंट की क्लास शुरुआत हुई थी ना तभी से डेली क्वेश्चन इनका बन रहा है किस देश के द्वारा प्रक्षेपण किया गया किसी के द्वारा कोई लॉन्चिंग की गई तो ये देखो अभी जासूसी उपग्रह प्रक्षेपण किस देश ने किया यह किया है जापान देश ने किसने किया है जापान देश ने इसका सफल प्रक्षेपण है किया है ये देखो मित सुबीसी मित सुबी इंडस्ट्रीज ने जापान के सूचना संग्रह उपग्रह ऑप्टिकल आर्ट को ले जाने वाले एच द्वितीय ए रॉकेट के सफल प्रक्षेपण के साथ अंतरिक्ष अन्वेषण राष्ट्रीय सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल किया है यह प्रक्षेपण किया गया था 12 जनवरी 2024 को तनेगा सीमा अंतरिक्ष केंद्र से हुआ था तनेगा सीमा मतलब है जापान के अंदर इसका जो है प्रक्षेपण किया गया था 12 जनवरी को 2001 में अपनी स्थापना के बाद यह एच द्वितीय एक रॉकेट का यह अड़तालीसवां प्रक्षेपण था यानी कि एच द्वितीय रॉकेट से क्या ये अड़तालीसवां प्रक्षेपण किया गया था जिसका नाम है ऑप्टिकल आठ यानी कि एक जासूसी उपग्रह ये जिसका नाम है ऑप्टिकल आठ है और ये एच द्वितीय रॉकेट से इसको सफल प्रक्षेपण है किया गया है तो इसका किस देश ने किया है जापान ने हाल ही में 15 जनवरी 2024 को नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है 15 जनवरी 2024 को नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है एन प्रमोद ने ऑप्शन नंबर बी किसने किया है ए एन प्रमोद ये अब नौसेना संचालन के नए महानिदेशक बने चुकी है तस्वीर में आप देख सकते हो तरुण सोबती कौन है ये है नौसेना के उप प्रमुख ध्यान रखना नौसेना के उप प्रमुख है तरुण से सोबती, और इससे पहले नौसेना संचालन के महानिदेशक थे अतुल आनंद और अब बनेंगे एन प्रमोद बनेंगे वाइस एडमिरल एन ए एन प्रमोद ने 15 जनवरी 2024 को नौसेना संचालन महानिदेशक यानी कि डी के रूप में पदभार ग्रहण किया है ये अड़तीसवें इंटीग्रेटेड कैटेड कोर्स नौसेना अकादमी गोवा के ये पूर्व छात्र एन प्रमोद को 1 जुलाई 1990 को भारतीय नौसेना में नियुक्त किया गया था 1990 में इनको नियुक्त किया गया और अब ये वर्तमान में नौसेना संचालन के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है हाल ही में कौन सा देश यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का मेजबान बना है हाल ही में कौन सा देश है यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का मेजबान बना है इसका मतलब आपको पता है ए, 2022 के अंदर यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध हुआ था ना उसी के लिए एक यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन हुआ और इसका मेजबान देश बना है स्विट्जरलैंड कौन सा देश बना है स्विट्जरलैंड देश इसका मेजबान है बना है अब देखो पूरी डिटेल इसकी स्विट्जरलैंड ने वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की यूक्रेनी राष्ट्रपति है जेलेंस्की की याचिका स्वीकार कर ली है तो ये वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा तो स्विट्जरलैंड करेगा इसमें रूस के आक्रमण में शुरू हुए संघर्ष के समाधान की मांग है गई दोनों देशों के बीच में रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चला था ना काफी लंबा समय युद्ध चला था इन दोनों के बीच में इस संघर्ष का समाधान करने के लिए मांग की गई थी इसलिए उन्होंने स्विट्जरलैंड को इसका जो है मेजबान देश बनाया शांति शिखर सम्मेलन का तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोडिमिर जिलेंसकी ने चौबीस फरवरी दो को देखो चौबीस फरवरी दो को यूक्रेन में रूस की घुसपेड़ से उत्पन्न संघर्ष को हल करने के उद्देश्य से एक वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए स्विट्जरलैंड के समझौते को सुरक्षित है कर दिया था उसी समय स्विट्जरलैंड को समझौते पर स्थापित कर लिए थे लेकिन अब स्विट्जरलैंड है वो वहां पर इसकी मेजबानी कर रहा है हाल ही में वीएसआई पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन बनी है हाल ही में वीएसआई पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन बनी है VSI का मतलब होता है ध्यान रखना इसका मतलब होता है वसंत वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट ये इंस्टीट्यूट है महाराष्ट्र के अंदर वी एस आई और उसका जो पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बन गई वो बन चुकी है दीपा भंडारे ऑप्शन नंबर डी कौन बन गई दीपा भंडारे बन चुकी है तस्वीर में आप देख सकते हो इनकी पहली महिला ये बन गई दीपा भंडारे जिस प्रकार मैंने चर्चित महिलाओं की कलाफ को क्लास दी थी ना इसी प्रकार ये कल मैंने उसी क्लास में इस तरह करवाई थी चर्चित महिलाओं की क्लास दी थी कल मैंने देखो ये कोल्हापुर के सिरोल तालुका में श्री दत्ता सहकारी चीनी फैक्ट्री है एस एस के से जुड़ी दीपा भंडारे एक अग्रणी के रूप में उभरी है उन्होंने इस समारोह के अंदर सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार है जीता है कौन दीपा भंडारे वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट यानी कि वीएसआई के अध्यक्ष शरद पंवार द्वारा उनको ये पुरस्कार है दिया जा चुका है भंडारे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग के लंबे और शानदार इतिहास में यह सम्मान पाने वाली एकमात्र महिला बन चुकी यानी कि पहली एक महिला एकमात्र महिला बन गई दीपा भंडारे और किस लिए उद्योग की श्रेणी में पहला पुरस्कार को मिला है हाल ही में किस राज्य ने रोगाणु रोधी प्रतिरोध से निपटने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया है हाल ही में किस राज्य ने रोधी प्रतिरोध से निपटने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया और ये शुरू किया है केरल राज्य ने किसने शुरू किया है केरल राज्य ने इसकी शुरुआत है, की है कौन सा ऑपरेशन है ऑपरेशन है अमृत देखो केरल औषधि नियंत्रण विभाग ने ऑपरेशन अमृत यानी कि संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए प्रतिरोध प्रतिरोधे पर इसके माध्यम से रोधी प्रतिरोध यानी कि ए के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए एक सक्रिय कदम उठाए जो जो रोगाणुरोधी प्रतिरोध है ना इसका नाम याद रखना एएमआर इसके जो बढ़ता खतरा है ना उससे निपटने के लिए ऑपरेशन अमृत चलाया है इसका उद्देश्य यह है कि परमोशियों में औचक छापेमारी करके ये छापेमारी करेंगे और डॉक्टर के सलाह के बिना एंटीबायोटिक दवाओं की ओवर द काउंटर यानी कि ओटीसी बिक्री का पता लगाकर राज्य में एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग पर अंकुश लगाना इसमें क्या है जो है किसी प्रकार की जो है रोगा प्रतिरोध में दवाइयां आती है ठीक है तो उसमें क्या ये छापे मारेंगे जो इसका उद्देश्य ये है जो जो केंद्रीय औषधि नियंत्रण विभाग है ना केरल के अंदर छापे मार के उस पर क्या पर रोक है लगाएगा इसलिए क्या है कि इसलिए ऑपरेशन अमृत की शुरुआत की गई है हाल में विश्व आर्थिक मंच की चौपनवी वार्षिक बैठक किस शहर में प्रारंभ हुई है चौपनवी विश्व आर्थिक मंच की चौपनवी जो वार्षिक बैठक हुई है वो किस शहर में प्रारंभ हुई तो ये हुई है दावोस के अंदर कहां पर हुई है ऑप्शन नंबर एक दावोस के अंदर शुरू हुई है विश्व आर्थिक मंच डब्ल्यू की चौपनवी वार्षिक बैठक पंद्रह जनवरी को दावोस के स्थानीय स्विस अल्पाइन स्कूल में बैक टू बैक्सिस ये याद रखना भी बैक टू बैसिकस लोकाचार को अपनाते हुए शुरू हुई और ये 19 जनवरी 2024 तक है चलेगी और इसके अंदर सौ से अधिक सरकारों व अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया है तो मेन इसका ये याद रखना बैक टू बेसिकस लोकाचार है इसको बनाते हुए उन्नीस जनवरी तक ये चौपनवी वार्षिक बैठक का आयोजन चलेगा किस देश में एयरफोर्स की पायलट मेडिसन मार्स ने मिस अमेरिका 2024 का खिताब जीतकर इतिहास रचा है तो ये किस देश में एयरफोर्स है एयरफोर्स एयरफोर्स की पायलट है ये मेडिसन मार्स ये तस्वीर में आप देख सकते हो यह है मेडिसन मार्स है और इन्होंने अभी हाल ही में मिस अमेरिका 2024 का किताब है जीता किसने मेडिसन मार्स ने और ये अभी वर्तमान में में अमेरिका एयरफोर्स की पायलट है कहां पर है अमेरिका के अंदर एयरफोर्स की पायलट अमेरिका में एयरफोर्स की पायलट मेडिसन मार्स ने मिस अमेरिका 2024 का किताब जीतकर इतिहास रचा मेडिसन मार्स ये किताब जीतने वाली पहली क्रिय ड्यूटी वायुसेना अधिकारी बन चुकी है और मार्च की 2023 में अमेरिकी वायुसेना अधिकारी के रूप में नियुक्ति हुई थी उनकी 2023 के अंदर क्या है वायुसेना अधिकारी में नियुक्ति हुई इससे पहले उन्होंने मिस कोलोराडो का भी किताब जीता था इससे पहले उन्होंने मिस कोलोराडो का भी खिताब जीता और अब वो मिस अमेरिका 2023 का खिताब भी उन्होंने जीत लिया है अब आपको एक पॉइंट याद रखना है निपाह वायरस के टीके का पहला मानव परीक्षण किया गया निपाह वायरस निपा वायरस आपको पता चल रहा है ना इधर केरल की तरफ है तो वहां पर देखो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने घातक वायरस वैक्सीन के लिए पहला मानव परीक्षण शुरू किया है तो ये घातक एक वायरस है इसके लिए पहला मानव परीक्षण शुरू किया इसमें ऑक्सफोर्ड वैक्सीन सुमय के नेतृत्व में 18 से 55 वर्ष की आयु के इक्यावन प्रतिवादियों को शामिल किया गया इसमें क्या है इसमें एक आतंक एक वायरस है और इसमें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा इसमें इस टीके का पहला मानव परीक्षण किया जाएगा यह टेलीग्राम ग्रुप है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है कोई सूचना आती है कोई क्लास की सूचना आ गई जैसे कल मैंने आपको चर्चित महिलाओं की क्लास दी थी उसकी सूचना मैंने टेलीग्राम पर डाल दी थी भी ये क्लास आपको बजे मिलेगी तो कल शाम मैंने चार बजे क्लास दी थी और इसके अलावा क्वेश्चन तो आपको टेलीग्राम पर मिलते हैं और शाम को आपको एक करंट का क्वेश्चन भी बढ़िया तरीके से मिलता है पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था किस देश ने कमल के आकार का उपग्रह अनिस्टिन प्रोब लॉन्च किया तो ये किया है चीन देश ने बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए थे उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं अब देखो क्वेश्चन फोरियो भारतीय और जापानी तटरक्षकों द्वारा चेन्नई के तट पर कौन सा संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया सी गार्डियन सहयोग मेरी टाइम सेंटलन और पैसिफिक हार्मोनी इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है अगर आप बढ़िया तरीके से चाहो तो इसमें भारतीय सेना ने जो भारतीय सेना का जहाज था ना इसके अंदर जिसने इसके अंदर भाग लिया था भारतीय सेना का जहाज है उसका नाम भी आप मुझे इसके अंदर बताओगे किसने भारतीय सेना का जहाज था वो इसने इसके अंदर भाग लिया था तो उस जहाज का नाम आप मुझे कमेंट में जरूर बताओगे इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है इसके अलावा आपने इस जनरल साइंस की टेस्ट सीरीज और फर्स्ट ग्रेड की आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की चल रही है स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज और इसके अलावा इंडियन पोलिटिक की टेस्ट सीरीज चल रही है ऑनलाइन टॉपिक के आधारित आपको टेस्ट सीरीज लगातार दिए जा रहे हैं और इसके अलावा वार्षिक करंट चल रही है इसके अलावा एनसीईआरटी टी बुक की टेस्टरी चल रही है कक्षा छह से दस है। आपको धीरे धीरे यहाँ पर टेस्ट मिलते रहेंगे और क्लासें भी आपको यूट्यूब पर मिली जा रही है तो बढ़िया तरीके से आप टेस्टरी ज्वाइन करें और लगातार आपको सुबह मेरे सात बजे करेंट की क्लासें मिलती रहेगी तो सारे विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा जाते लाइक शेयर करेंगे धन्यवाद जय हिंद जय जे भारत